हमारी परेशानी है, पता नहीं कब खत्म होगी। इतनी ज्यादा जो है ना टेंशन बनी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे देखने वाले चाह भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे, ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और अभी जो है ना माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है, और समीउल्ला जो है ना मदरसे से आके तो फिर से सो गया है, तो वो तकरीबन 5:30 बजे जाता है मदरसे और 6:30 बजे तक वापस आ जाता है, 1 घंटे में जो है ना वापस आ जाता है। तो अभी वो आ चुका है और आके सोया हुआ है, तो अभी उसको उठाते हैं और ट्यूशन पे भेजते हैं। 8 बजे जो है ना उसने ट्यूशन पे जाना होता है, तो उसमें जो है ना 1 घंटा 1.5 घंटा होता है, तो फिर वो आके जो है ना सो जाता है। रात को जो है ना आजकल लेट सोता है तो जागता रहता है, तो क्योंकि दोपहर में जो है ना सो लेता है, तो फिर उसकी वजह से जो है ना रात में लेट सोता है। तो रात को जो है ना मैंने कपड़े भी धोए हैं, शाम को ही तकरीबन धो रही थी, तो धोते धोते जो है ना रात ही हो चुकी, तो अभी जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तकरीबन रात की चल रही है। तो रात को जो है ना कपड़ों को मैं चुटकी लगाना भूल गई, तो सारे कपड़े जो है ना सुबह मैंने उठ के देखा तो सेन में नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे, तो अभी मैंने वो उठाए हैं। तो दिन में जो है ना बहुत ज़्यादा धूप होती है यहाँ पे, तो ये देखें इधर जो है ना अभी धूप आ भी चुकी है मेरे पीछे, तो दिन में जो है ना इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूप होती है, तो तकरीबन 3-3:30 बजे तक जो है ना यहाँ पे धूप रहती रहती है, तो फिर इस वजह से जो है ना मैं कपड़े दिन में नहीं धो सकी। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है कि बादल जो है ना आजकल कहीं से भी कहीं नहीं होते, सुबह सुबह जो है ये देखे पसीना आ रहा है, तो सुबह सुबह जो है ना मुझे इतना ज़्यादा जो है ना पसीना आ रहा है। हवा चल रही है लेकिन यहाँ पे जो है ना हवा नहीं लगती, वहाँ दूसरे सेन में उधर जाएं तो फिर जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना हवा लगती है, तो यहाँ पे जो है ना बहुत कम हवा लगती है, तो इस वजह से जो है ना पसीना आ रहा है। गर्मी काफ़ी जो है ना हो जानी है, लेकिन दिन में जो है ना हो जाएगी गर्मी, अभी तो नहीं है लेकिन दिन में जो है ना हो जाएगी गर्मी, धूप निकल आई है। तो आजकल जो है ना बादल भी नहीं बनते, पहले बादल बन जाते थे तो थोड़ी बहुत जो है ना गर्मी कम हुई थी, तो अभी जो है ना बादल भी नहीं बनते। तो अभी चलते हैं, सम्मी को नाश्ता करवाते हैं, उठाते पहले तो उसको उठाते हैं, फिर नाश्ता करवा के रेडी करके उसको तो ट्यूशन पे भेजते हैं, तो जो भी रूटीन होगी आगे की तो आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये देखें माशाल्लाह फिर से जो है ना आगे मदरसे से यूनिफॉर्म भी वैसे ही पहना हुआ है, तो सो गया समीउल्ला। समीउल्ला शहजादे बेटे, मेरा छोना बच्चा, वो मेरा शहजादा बेटा, उठे ना, उठ जाओ, ट्यूशन का टाइम हो गया, उठ जाओ मेरा बच्चा, उठ जाओ। क्या ढूंढ रहे हो? पैसे। तकिए के नीचे से मिले थे? अच्छा चले सही। तो कुछ कपड़े ये देखे मैंने ना उतार के यहाँ पे रख दिए थे, गिरे पड़े थे नीचे से, इनमें सूख गए थे तो गिर गए, तो इस वजह से जो ना मैंने उतार के रखे हैं। तो अभी जो है ना निकर ये मुझे दे दो, तो ये वाली जो है ना आपकी मैं कर देती हूँ कमीज प्रेस। तो अभी समीउल्ला के जो है ना कपड़े प्रेस करते हैं। इस कमरे में ना लाइट जो है ना छोटी लगी हुई है, तो फिर इस वजह से जो है ना मैं इस कमरे में बहुत कम आकर जो है ना वीडियो शूट करती हूँ, बहुत कम आती हूँ इस कमरे में। मैंने माशाल्लाह बादलों का नाम ही लिया है, तो बादल जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह आ चुके हैं आसमान पे, ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे वो समुंदर के साथ जो है ना पानी और रेत होती है ना, वैसे कुछ लग रहा है बादल और आसमान, वाइट वाइट बादल और नीला नीला आसमान, इतना प्यारा माशाल्लाह ये देखें लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही थी धूप होती है, तो ये देखें अभी जो है ना बादलों की वजह से जो है ना छांव बन चुकी है, ये रहा सूरज और उसके आगे बादल। तो माशाल्लाह समीउल्ला रेडी हो गया, तो अब जो है ना जा रहा है ट्यूशन पे, तो कपड़े जो है ना गिरी जा रहे हैं, सूख चुके हैं, तो अभी जो है ना इनको भी उठा लेती हूँ। चलो फिर अल्लाह हाफिज़। ये आँख पे क्या लगा, इधर दिखा मुझे। चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ध्यान से जाना जी। तो समीउल्ला तो जा चुका है, तो अब जो है ना ये कपड़े उठा लेते हैं, गिर रहे हैं बार बार, सूख चुके हैं ना इस वजह से जो है ना गिर रहे हैं, इनको उठा लेते हैं। बादल तो माशाल्लाह ऐसे बने हैं जैसे वो ना कबूलियत की घड़ी हो, और मेरे मुंह से जो है ना निकला है कि बादल नहीं बन रहे,
तो बादल बने तो ये देखें एकदम से जो है ना बन गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे रात को ठंडी ठंडी जैसे हवा चल रही थी वैसे लग रहा था कि दिन में जो है ना ठंडा ही रहेगा, कोई मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। चला जी अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े जो है ना सारे तय करके मैंने अलमारी में लगा दिए हैं, जिसके जहाँ पे रखने थे रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने चारपाई लगा ली थी, इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादल बने हुए थे, तो मैंने कहा इधर ही जो है ना चारपाई लगा के तो कपड़ों को तय लगा लेते हैं। मियाँ मिट्टू को भी जो है ना यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है कि ये भी जो है ना मौसम इंजॉय कर ले ना, इतना प्यारा मौसम बना हुआ है तो ये भी मौसम इंजॉय करे। तो अभी रे काम भी जो है ना मैंने सारा कर लिया है, तो बस जी नाश्ता करना है, तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, काफ़ी भूख लग चुकी है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। यहाँ पे 3 बज चुके हैं और दोपहर का खाना खाया तो फिर जो है ना मैं सो गई, तो अभी उठी हूँ। तो दोपहर में हमने क्या खाया, मैंने जो है ना सालन पड़ा हुआ था तो साथ में जो है ना चावल बॉईल किए तो वही हमने खाए। तो अभी जो है ना 3 बज चुके हैं और समीउल्लाह जो है ना यहाँ पे बैठ के अपना कर रहा है काम, जो छुट्टियों का इसको मिला हुआ सिलेबस जो भी है तो वो कर रहा है। तो जैसे ही बादल बने हैं सुबह के तो वैसे ही बने बने। हाँ जी, तो समीउल्लाह जो है ना ट्यूशन से आया और उस वक्त का जो है ना अपना काम लिख रहा है, छुट्टियों का काम जो है ना इसका काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी छुट्टियां भी जो है ना ख़त्म होने वाली हैं, तो मैंने इसको बोला है कि आप बेटा लिख रहे हैं तो हमारी परेशानी जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हमें। तो जी हमारी परेशानी जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, मकान जो है ना घर जो है ना हमें कहीं भी नहीं मिल रहा, इतना ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। तो अगर मिलते भी हैं तो दूर कहीं मिल रहे हैं, सभी के स्कूल से जो है ना बहुत दूर है, और या फिर उनका जो है ना अगर इधर कोई मिल भी रहा है तो उनका जो है ना रेंट ज़्यादा है तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी जो है ना हमारी परेशानी बनी हुई है, तो हमारी परेशानी है पता नहीं कब ख़त्म होगी, इतनी ज़्यादा जो है ना टेंशन बनी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी इधर भी जो है ना रेंट ज़्यादा बनना शुरू हो गया कि मतलब बिजली का बिल जो है ना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है, तो काफ़ी परेशानी बन रही है। तो बस क्या कर सकते हैं, तो आप सब जो है ना दुआ करें, अल्लाह करे ये हमारी परेशानी है जो है ना जल्दी से ख़त्म हो जाए, ये वाली परेशानी तो ख़त्म हो जाए, बाकी तो जो है फिर ज़िंदगी के साथ चलता ही रहता है। जो भी निज़ाम जो भी टेंशन है मुश्किलें हैं वो तो इंसान के साथ चलती रहती हैं, घरेलू जो भी होती हैं परेशानी इधर उधर की जो है ना वो तो चलती रहती हैं। बस ये है कि ये वाली टेंशन हमारी ख़त्म हो जाए, कि ये घर वाला जो है ना सिस्टम के घर कहीं हमें जो है ना मिल जाए। तो कोई भी घर समी के बाबा देख के आते हैं, तो अब मैंने तो देखना ही छोड़ दिया है क्योंकि वीडियो तो मैं शूट कर नहीं सकती, हमारे गांव में जो है ना बिल्कुल अलाउ नहीं है कोई भी, मतलब कि ये है ना कि मतलब जैसे मैं देखती हूँ यूट्यूब के काफ़ी गांव में जो है ना मतलब के बनाते हैं वीडियो, तो मेरे गांव में हमारे गांव में जो है ना कोई भी मतलब के यूट्यूब पे नहीं है, कोई भी यूट्यूब पे नहीं है। मैं अपने गांव की तकरीबन यही है कि फर्स्ट हूँ, मतलब ब्लॉगर होंगे हाँ लड़के वगैरह जो है ना वो तो ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं टिकटॉक की बाकी सारी, लेकिन ये है कि यूट्यूब की वीडियो जो है ना वो मतलब औरतों में से कोई भी नहीं अभी तक बना रहा, वैसे लड़के तो बनाते होंगे मुझे नहीं पता। तो ये है कि काफ़ी परेशानी बन रही है कि वीडियो हम नहीं बना के आपको दिखा सकते कि हमें यहाँ मकान देख के आए वहीं देख वहाँ देख के आए, तो अभी तो मैंने जो है ना देखना भी छोड़ दिया है, समीउल्लाह के बाबा ही जो है ना वही मकान देखने जाते हैं। मैंने कहा अभी अगर मतलब के हो जाता है सिलेक्ट के या फिर रेंट का मतलब मसला हो जाता है किसी में, अभी मैंने एक दो मकान देखे थे तो उसके बाद जो है ना यही मसला आ रहा है कि किसी का रेंट ज़्यादा है कोई मकान नहीं साफ़ सुथरा। तो मैंने समी के बाबा को बोला कि आपको भी बताइए कि मैंने कैसा मकान मुझे चाहिए, और फिर रेंट का भी आपको पता ही है कि आप कितना दे सकते हैं, तो आप जो है ना खुद देख के आ जाया करें, तो अगर आपके पसंद है तो फिर जो है ना मैं भी देख लिया करूँगी, तो मुझे जो है ना अब नहीं लेके जाइएगा बार बार, जो है ना अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे जाना और देखना करना सारा कुछ। तो बस आप सबने जो है ना दुआ करनी है कि ये परेशानी जो है ना हमारी जल्दी से जो है ना हल हो जाए। तो बाकी मैं तो दुआ करती हूँ आपके लिए भी अपने लिए भी, अल्लाह ताला जो है ना बेहतर करेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी शाम का टाइम हो चुका है, तकरीबन 5:15 का टाइम हो रहा है, असर की अजानें हो चुकी हैं, तो समीउल्लाह को जो है ना आज मदरसे से छुट्टी है, समीउल्लाह को लग गई है भूख, तो अभी जो है ना समीउल्लाह खाना खा रहा है तो आलू मटर गाजर के सालन के साथ। तो और जो है ना बाकी मैंने चारपाइयां भी इधर लगा ली हैं,
अपनी बिट्टू को भी बाहर लेके आ गई हूँ। और अभी मैं बनाने लगी हूँ मसाला। और यहाँ पे है जी साथ में एक बड़ा सारा आलू, बड़ा सा आलू है एक, तो ये काटूंगी, तो ये बनाऊंगी, क्योंकि मैंने जो है ना आज गोश्त और आलू बनाना है, तो अभी बनाते हैं। हाँ जी, वो दोपहर को जो है ना मैं सो गई, और वैसे भी हमने चावल बनाए हुए थे, तो फिर जो है ना मैंने वो बनाई नहीं। इसने बोला था मम्मा मुझे जो है ना चिप्स बना के देना, तो फिर इसलिए मैंने बनाई नहीं। तो अभी जो है ना मैं गोश्त आलू बनाने लगी, पहले मसाला बनाते हैं फिर जो है ना बना लेते हैं। मजा आ रहा है, ये वही सालन है जो आप खा नहीं रहे थे, कह रहे थे बाप बेटा दोनों के मिर्ची ज्यादा है। तो रात को जो है ना हम, मैंने जो दोपहर को खाया तो वो कद्दू और दाल के सालन के साथ हमने चावल खाए, तो अभी जो है ना वो खत्म हो गया, तो अभी ये पड़ा हुआ था, तो इसके साथ खा रहे हैं सालन। जाया रिज़्क जाया नहीं करती हूँ मैं, और जाया करना भी नहीं चाहिए। तो फिर जब ऐसे सालन एक दो पड़ा होता है तो फिर साथ में चावल बॉयल कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाता है ना सालन हमारा ऐसे जी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है ना मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और प्याज जो है ना वो भी डाल दिए। तो इधर जो है ना मैंने आलू भी काट लिए माशाल्लाह, ये देखें। तो अभी जो है ना गोश्त हमारा गल जाता है, तो फिर जो है ना भून के, तो फिर जो है ना हम बीच में आलू भी ऐड करेंगे। समी ने खाना तो खा लिया, फिर जो है ना इसको अब चिप्स भी चाहिए, तो अब जो है ना समीला को चिप्स बना के देने लगी हूँ, जहाँ पे मैंने आलू जो है ना बना लिए। समीला को मैंने चिप्स बना के दे दी है आलू की, तो अभी जो है ना वहां पे बैठ के वो मजे मजे से खा रहा है, और शाम भी हो गई है। और इधर गोश्त को भी जो है ना मैंने अभी भूनना है, भून रही हूँ, बल्कि नमक मिर्च खुशक मसाले जो है ना मैंने डाल दिए हैं, ऑयल भी डाल दिए हैं, तो अभी जो है ना इसको अच्छे से भून के फिर जो है ना आलू इसके बीच में ऐड करूंगी। माशाल्लाह जी अच्छी तरह मैंने बुनाई करके तो आलू डाल दिए बीच में, तो पानी भी डाल दिया है, तो अब जो है ना पकने देते हैं इनको जी। तो माशाल्लाह खाना जो है ना अभी मैं रख के आई हूँ चूल्हे पे, तो खाना बनने में जो है ना अभी देर है, तो गोश्त की बनाई करके बीच में आलू डाल के पानी डाल के अभी जो है ना मैं रख के आई हूँ, तो वो काफी टाइम लग जाएगा। अभी हमने जो है ना शोरबा बनाना है उसका, तो मैंने कहा वीडियो को एंड कर देते हैं, वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है और टाइम से जो है ना आप तक भी पहुंचानी होती है। तो आज की वीडियो का व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। तो जी मेरा बेटा जो है ना माशाल्लाह नमाज पढ़ने गया था मगरब की, तो मगरब की नमाज का टाइम है, तो नमाज पढ़ के आया अभी अभी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप ही अल्लाह हाफिज़ कर दें।